बोले बारिश हो रही है, बात बारिश हो रही है ना, ठंड लग रही है। ओहो ठंड भी लग रही है, वेरी गुड। बाबू तो ये है, बाबू तो ये है, छोटे से बाबू तो ये है। हेलो कर दो, हेलो दिखाओ। हेलो कर हेलो दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो, बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मतलब तो आज हमारे साथ हैं, कौन है आज हमारे साथ, आज हमारे साथ कौन है, आज हमारे साथ है वेद भैया। ये मेरा भांजा है वेद, है ना बाबू। बोलो गुड मॉर्निंग सबको, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो भाई ये कल आया है और कल से इसने मेरी हालत खराब कर रखी है, भगा भगा के, कभी इधर कभी उधर, कभी मामा मामा मामा, मतलब अजीब पूरा मजा दे रखा है इसने। अभी 8 बज गए हैं सुबह के, और 8 बजे का मौसम दिखाता हूँ तुम्हें, बारिश हो रही है। वैसे 3 और 4 तारीख की बारिश दिखाई थी, तो मतलब खतरनाक मौसम हो रखा है एकदम। बारिश तेज नहीं हो रही है, बट कल पूरे दिन बादल रहे थे, आज बादल हैं बट धीरे धीरे बारिश हो रही है, बहुत कम है बारिश है बट। फोटो खींचो। अच्छा इसे फोटो खींचने का बड़ा शौक पड़ा है। ये इधर आग जला रखी है ठंड की वजह से, और ये वहां से ताप नहीं रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। हाँ बाबू फोटो खींचते हैं, नहा लें, चलो नहा लेते हैं। बाबू फोटो खींच गया। तो भाई जैसा कि पता ही है चुनाव का दौर है, और मतलब सब अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो आज हमारे यहाँ भी राजनाथ सिंह आ रहे थे, लेकिन बारिश देख रहे हो, मौसम तो पूरा ख़राब है। और आ कहाँ रहे थे, जहाँ मैं पहले पढ़ता था ना, मेरा जो स्कूल है जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है, यहीं अपने घर के पास ही है, कुछ ऐसी 200 मीटर है, 200 मीटर भी नहीं है यार, 100 150 मीटर होगा। तो वहीं पर आ रहे थे। अब पता नहीं, देखो जैसे मौसम है, मुझे नहीं लगता भाई कोई आएगा, कहाँ बैठेंगे लोग। अगर जो किसी जनसभा को भी संबोधित करना है उन्हें, तो भाई कहाँ करेंगे। फिर भाई अगर आएंगे तो अपन भी देख लेंगे जाकर भाई राजनाथ सिंह लाइव कैसा दिखता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत छोटा शहर है हमारा, विधानसभा 25 पड़ती है हमारे यहाँ। तो यहाँ से बीजेपी का जो कैंडिडेट है शायद उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, और तो यही होता है भाई, चुनाव है, यूपी के चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। तो इधर 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 मारो, इधर मारो, इधर मारो, इधर मारो। अरे वो बॉल मारनी है पैर से, पैर से, पैर से, ऐसे। ए लो लो मारो। ये देखो क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, आए आए आए, क्या बात है वेद भाई। बहुत शैतानी कर रहा सुबह से, अंदर मम्मी के पास है, वहाँ मम्मी खाना बना रही है ना, और वहाँ लगा पड़ा है, वहाँ पूरी शैतानी कर रहा। अभी बारिश में घूमता फिर रहा था बाहर, अभी डांट के अंदर भगा है। लो क्या हो रहा है, टंगो पीछे टंगो, अच्छा फोटो, काटी घोड़ा बना दे, काटी घोड़ा मामा को, काटी घोड़ा, हाँ बनाओ, बना दे काटी घोड़ा, बना दे मामा को, कंधी चढ़ ना, कंधी कंधी चढ़, आ जाओ काटी घोड़ा, काटी घोड़ा, काटी घोड़ा। तो भाई मैं निकला हूँ फ्लैट की तरफ, बारिश पड़ रही है धीमी धीमी, और लाइट वगैरह आ नहीं रही है घर, मेरा लैपटॉप डाउन हो गया, साथ में ये फ़ोन भी डाउन ही होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, तो मुझे लेक्चर लेने थे बट किस। अभी देखता हूँ इधर राजनाथ सिंह आए कि नहीं आए अभी। ये देखो ये सामने गुलाबी वाली जो बिल्डिंग है ना, ये मेरा स्कूल है जहाँ मैं 6th से पढ़ा था। गाड़ियाँ तो काफ़ी आ रखी हैं, इसका मतलब आएगा, कैंसिल नहीं हुआ है प्रोग्राम भाई, ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। अरे डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है भारत का, मजाक बात है क्या, और वो भी हमारे स्कूल में, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं। मतलब आज तो जो मतलब छोटे मोटे नेता होंगे ना, MP MP की तो बात तो छोड़ो, खैर छोटे मोटे नेता होंगे ना पार्षद, वो भी सारे आए आए पड़ेंगे। देखो ये था हमारा हॉल, हमारे कॉलेज का हॉल, और यहाँ पे आ रहे हैं ये राजनाथ सिंह, और चेकिंग भी शुरू कर दिया इन्होंने, वाह सही है। मैं आ गया अपने प्लाट पे, और मतलब इधर पूरे रास्ते में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो रही हैं भाई, ऑब्वियसली यार भारत का डिफेंस मिनिस्टर आ रहा है तो इतना तो बनता ही है। और पूरा इधर से जो आस पास के गाँव वाले हैं ना, बहुत भर के आ रखे हैं सारे के सारे। क्या हाल है, कोई हमारे प्लाट में आके बैठ जाता है रोज, आज तो भीग गया भाई, ठंडी लग रही तुझे, लग रही है थोड़ी थोड़ी, हैं ठंड लग रही।
भाई मैं अभी घर आके बैठा हूँ, आग जल रही है और इधर देखो ये महाराज बैठे हैं इतनी देर से, पता नहीं क्या क्या कह जा रहा है मेरे से, मुझे आधी बात समझ में नहीं आई इसकी। मैं भी हाँ हूँ चल रहा मामला। ये खा रहे हैं शकरकंदी स्वीट पोटैटो, क्या खा रहे हो बेटा? मैंने कहा शकरकंदी खा रहे हो? कहता गंजी खा रहे हो है? इधर कह दो आ जाओ आप भी खा लो। भाई राजनाथ सिंह आ गए, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही होगी बट हेलीकॉप्टर दिख नहीं रहा कहाँ है। रक्षा मंत्री आ गए भाई। हम सभी स्वागत करेंगे, खड़े होकर अपने स्थान पर अभिनंदन करेंगे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी। काफिला रवाना हो गया भाई, वो बैठे तो हैं सामने उसमें टाटा सफारी में के लोग हैं, इन्हीं के हाथ में व्यवस्था नहीं है, कोई ऑन न रहे और जरा मुझसे पढ़ाओ। आप लोग जरा अंदर चले जाए, जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, आग्रह है आपसे विनम्रता पूर्वक। तो ये अभी खाना वाना खा के फ्री हुआ हूँ, अभी जस्ट खाना खाया एकदम, थोड़ी चाय बनाई थी, पराठे बन रखे थे आलू वाले, मज़ा ही आ गया। पहले मैं शूट करना ही भूल गया कि मैं दिखा दूँ क्या है खाने में, बट चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी बैठते पढ़ने, लाइट तो आई नहीं है बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हैं, यही करेंगे। लेक्चर तो आज भी नहीं होने, कल भी नहीं हुए लेक्चर, कल हमारे भांजे के चक्कर में लेक्चर नहीं हुए, आज लाइट नहीं आ रही और कहते हैं क्योंकि बाहर हवा चल रही है, बारिश का मौसम है तो लाइट नहीं दे रहे ये लोग, तो बाकी चलो कोई बात नहीं है, अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं एंड आगे का देखते हैं। बड़ी वाली दीदी भी आ रही है, आज हमारा घर भरने वाला पूरा, बड़ी दीदी भी आ रही है, छोटी दीदी कल आ चुकी है, आज बड़ी दीदी आ रही है, उनके दो बच्चे आ रहे हैं। भाई भाई मतलब समझ रहे हो ना तुम, कैसा रहता है, मजा आने वाला पूरा। रक्षा मंत्री जी वापस जा रहे हैं हमारे, अब इधर से ही कहीं से हेलीकॉप्टर निकलने वाला है। काफी इंप्रेसिव भाषण था इनका, अच्छा, मतलब मैंने तो यहीं घर पे आवाज़ आ रही थी, मैं गया नहीं था वहाँ पे, घर पे आवाज़ आ रही थी तो तभी सुना था मैंने, ताकि अच्छा बोले। अब देखते हैं किसकी सरकार आ रही है। सो गाइस एवरीथिंग इज डन और रात के बज चुके हैं 10 और अभी मुझे आई है नींद, तो मैं आज जल्दी सो रहा हूँ, बिकॉज जल्दी क्या सो रहा हूँ, वैसे मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ बट हाँ आज थोड़ा जल्दी सोने का मन है मेरा, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश वाला सुबह से ही और ठंडे लगे जा रही है पूरा दिन, और वैसे भी मैं सुबह को जल्दी उठता हूँ, तो मेरा क्या मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ फिर से जिम जाना शुरू करूँ। बट यस अगर मतलब यार उसका फ़ोन आया था जिम वाले का कि भाई आ जाओ, मैंने कहा चल देखते हैं क्या रहता है, बाकी सुबह का सुबह देखेंगे, अगर सुबह का मौसम ठीक रहता है तो हम देखेंगे, अगर जिम जाएंगे या जैसे भी जाएंगे नहीं जाएंगे बाकी देखेंगे, नहीं जाएंगे तो रनिंग के लिए जाएंगे ही जाएंगे, समझ गए। तो अभी फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करेंगे अब यहीं पर एंड, क्योंकि हमें कल भी तो ब्लॉग करना है, हमें इस ब्लॉग को एडिट करके भी तो डालना है, वैसे भी राजनाथ सिंह आए थे आज, समझ गया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे शहर में, हमारे घर के बगल में, वाओ वो भाग्य हमारे। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत होगी ओवर एक्टिंग, अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में, मतलब किसी और तो नहीं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार बनाए रखो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, कर दो ना प्लीज भाई, प्लीज कर दो यार, थैंक यू सो मच।